बच्चों आओ अब हम हमारे पर्यावरण तंत्र के बारे में जानेंगे। क्या कोई बता सकता है पर्यावरण तंत्र क्या है? हाँ महोदय, ये एक ऐसी प्रणाली है जहाँ जानवर, पौधे और मनुष्य एक साथ शांति और खुशी से रहते हैं। महोदय, प्रकृति और पर्यावरण तंत्र में अंतर क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी तक तुमने हमारी प्रकृति के विभिन्न भागों के बारे में सीख लिया है। पर्यावरण तंत्र इन घटकों के बीच में संबंध और पारस्परिक क्रिया है। हम तभी खुश रह सकते हैं जब एक अच्छा तालमेल पौधों और जानवरों के बीच कायम किया जाए। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक का नाश दूसरे को प्रभावित करेगा। हमारा पौधों और जानवरों के साथ शांतिपूर्वक रहना पारिस्थितिकी संतुलन कहलाता है। पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखना मतलब प्रकृति के साथ शांतिपूर्वक रहना, बगैर प्राकृतिक संपदा जैसे भूमि, पशुधन, जल और वनस्पति को क्षति पहुंचाएं। महोदय, पारिस्थितिकी संतुलन की क्या जरूरत है? पौधे सभी के लिए भोजन का आधार हैं। कुछ जानवर जो पौधों द्वारा पाले जाते हैं, दूसरे जानवरों द्वारा खाए जाते हैं। अगर वहाँ ज्यादा जानवर और कम पौधे हो तो संभवतः सभी जानवरों को पर्याप्त पत्ते खाने के लिए ना मिले, जिससे वे मर जाएंगे। खाद्य श्रृंखला क्या है महोदय? खाद्य श्रृंखला एक ऐसा जाल है या नक्शा है जो जैविक राज्य में विभिन्न पौधों और जानवरों के खाद्य स्रोतों को दर्शाता है। पौधे और जानवर जो दूसरों के लिए खाने की सेवा देते हैं, खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा है। सभी जानवरों एवं पौधों के लिए भोजन एवं पानी की स्थिरता के लिए पारिस्थितिकी संतुलन की जरूरत है। आइए खाद्य श्रृंखला के नक्शे को देखें। क्या तुम में से कोई बता सकता है मेंढक हमारी खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ महोदय, मेंढक मच्छरों के इल्लियों को जो ठहरे पानी में पनपते हैं और बहुत से कीटकों को खाते हैं जो पौधे और इंसान के लिए हानिकारक है। बिल्कुल ठीक। अब बच्चों मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे मानव जनसंख्या बिना नियंत्रण के बढ़ गई है। पुराने जमाने में लोग कम उम्र में हानिकारक बीमारियों से मर जाते थे। बाद में वैज्ञानिकों ने इन बीमारियों के लिए बहुत से टीके बनाए। इस तरह लोग ज्यादा समय तक जी पाए। इस तरह से जनसंख्या बढ़ने लगी, भोजन, लकड़ी और पानी की मांग भी बढ़ने लगी और इसी कारण हमने अपनी प्राकृतिक संपदा का अधिक उपयोग किया। इस परिस्थिति को पारिस्थितिकी असंतुलन कहते हैं। अगर जनसंख्या इस तरह से बढ़ती रही तो सबके लिए पर्याप्त भोजन नहीं होगा। हमारे लोगों के पास रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं रहेगी। लेकिन हमें कैसे पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है जबकि जनसंख्या तो बढ़ रही है महोदय? जैसे हमारे भोजन की मांग बढ़ी, हमारे वैज्ञानिकों ने अनाज की अधिक उत्पादन वाली किस्में तैयार की। ये नई किस्में ज्यादा भोजन उत्पादन करती हैं, लेकिन इनको ज्यादा पोषक की जरूरत पड़ती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने ज्यादा रासायनिक खाद के उपयोग को बढ़ावा दिया। क्या ये रसायन हानिकारक है महोदय? हाँ हाँ, बिल्कुल हानिकारक है। तुम इन रसायनों के कुछ अवशेष हमारे भोजन में भी पाओगे। हम लोगों में बहुत से ऐसे हैं जो इन हानिकारक पदार्थों के कारण स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। महोदय, हमें क्या करना चाहिए जिससे इन हानिकारक पदार्थों का उपयोग न हो? हमें ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जो कीट और बीमारियों का विरोध कर सके। हमें पशु के गोबर और व्यर्थ पदार्थों जैसे सूखे पत्ते और घास से बनी कृषक खाद का ज्यादा उपयोग करना चाहिए।